साल 2004, चाइना के बॉर्डर के पास मौजूद नॉर्थ कोरिया के युंगचुंग स्टेशन पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 160 लोगों की जान गई और 1300 लोग घायल हुए। पर इसका निशाना ये लोग नहीं थे, बल्कि एक ट्रेन थी। ये है त्यांगो, नॉर्थ कोरिया की सबसे मिस्टीरियस ट्रेन, जिस ट्रेन की सुरक्षा के लिए इसमें हर वक्त नॉर्थ कोरियन आर्मी की कई टीम और कई हैवी वेपन्स जैसे मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, गाड़ियों का काफिला और हेलीकॉप्टर तक मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, ट्रैक्स पर दौड़ते समय इसके आगे हर समय एक बख्तरबंद ट्रेन और पीछे भी एक सोल्जर्स एंड वेपन से भरी ट्रेन चलती रहती है। इसके ऊपर आसमान से भी इसे सिक्योर करने के लिए लगातार एक कार्गो प्लेन हवा में उड़ता रहता है, इस पर नजर बनाए रखता है। और ये ट्रेन भी खुद में किसी बीस्ट से कम नहीं है। इसके कांच बुलेट प्रूफ है एंड इवन ट्रेन का फ्लोर बॉम्ब प्रूफ है। लेकिन जिस देश में एक इंसान की जान केवल के पॉप सॉन्ग सुनने पर ले ली जाती है, आखिर उस देश में एक ट्रेन के लिए इतना तामझाम क्यों है? आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है? वेल हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरिया का मैप और इस मैप पर जो आप ये रेड डॉट देख रहे हैं ना, ये इस कंट्री में ओनली मौजूद रेलवे स्टेशन है। अगर आपको लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन इस कंट्री के लोगों के लिए है, तो सॉरी, अभी आप नॉर्थ कोरिया को सही से समझ नहीं पाए, क्योंकि ये सब रेलवे स्टेशन यहाँ की केवल एक ट्रेन के लिए है, जिसका नाम है त्यांगो। और एज एक्सपेक्टेड, ये ट्रेन खासकर नॉर्थ कोरिया के सबसे ताकतवर, या फिर कहूँ कि वहाँ के भगवान कहे जाने वाले लीडर किम जोंग उन के अपने देश और दूसरे देशों में यात्रा के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे अनऑफिशियली मूविंग फोर्ट्रेस एंड एयर फोर्स वन ऑन ट्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिकलौती ट्रेन में किम जोंग उन के लिए उसकी पर्सनल आर्मी, हथियार, सैटेलाइट फोन, पर्सनल ऑफिस एंड हर वो चीज है जिससे किम उस ट्रेन में सफर के दौरान भी अपनी कंट्री को चला सकता है। चलिए इसको किम की रिसेंट इंटरनेशनल ट्रिप से एग्जांपल से समझते हैं। तो सितंबर 2023, नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्यांगोंग से किम अपनी स्पेशल ट्रेन त्यांगो में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने निकलते हैं। नॉर्थ कोरिया से रशिया तक का 1000 किलोमीटर का ये सफर तय करने में त्यांगो को 2 दिन लगेंगे। ये जर्नी देखने में काफी सेफ लगती है, पर है नहीं, खास करके अगर आप एक ऐसे तानाशाह हो जो हर कुछ दिन में दुनिया के सबसे ताकतवर देश को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी देता है। एंड दैट इज व्हाई त्यांगो असल में एक लौती ट्रेन नहीं है जो इस सफर पर जा रही है। इसके अलावा 2 और ट्रेन है, जिनमें से एक ट्रेन इसके आगे और एक ट्रेन बिल्कुल इसके पीछे है। सबसे आगे की ट्रेन त्यांगो के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो आगे ट्रैक्स पर लगे एक्सप्लोजिव या फिर पहाड़ियों और जंगलों में छिपे हमलावरों से इसे सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जबकि इसके पीछे वाली ट्रेन पूरी तरह मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेन्ड मिलिट्री सोल्जर से भरी पड़ी है, जो किसी भी हमले की सिचुएशन में अपनी जान पर खेलकर किम जोंग उन को बचाने के लिए यहाँ पर है। पहले तो हमें समझना होगा कि त्यांगो कोई एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नाम हर उस ट्रेन को दिया जाता है जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर द्वारा ट्रैवलिंग में यूज होता है, जिस नाम का मतलब कोरिया में होता है सूरज। नाउ करेंटली किम जोंग उन जिस त्यांगो ट्रेन का प्रयोग करता है ना, उसमें मोस्टली 20 बख्तरबंद डब्बे यानी कैरेजेस लगे होते हैं, जिनको मिलाकर इसकी टोटल लेंथ 576 मीटर तक होती है। किम के त्यांगो को सिक्योरिटी रीजंस के चलते नॉर्थ कोरिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये एक बम के धमाके को भी झेल सकती है। ऑल्सो इसके ये कांच के शीशे भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इन सब के बावजूद भी किम को अपने ऊपर हमला होने का इतना डर है कि उसने इस ट्रेन और अपनी सुरक्षा के लिए इसमें काफी हैवी वेपन्स इंस्टॉल करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, त्यांगो में ऑफिशियली 2 कंफर्म्ड मशीन गन इम्प्लेसमेंट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ट्रेन के कई कैरेजेस बस किम के द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेसिडेंशियल कैरियज, हेडक्वार्टर्स कैरियज, लग्जरी रेस्टोरेंट कैरियज, ऑल्सो कुछ कैरियजेस ऐसे भी है जो केवल इमरजेंसी के वक्त ही उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कैरियजेस जिनमें 2 आर्मर्ड मर्सिडीज कार्स हैं, और हमले की सिचुएशन में किम को ट्रेन से बाहर निकालने के लिए अमेरिकन MD-500C इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। और बाकी के अदर स्लीपर कैरियजेस में किम के सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं। ये सब सुरक्षा इंतजाम त्यांगो को दुनिया की कुछ सबसे सुरक्षित ट्रेन में से एक तो
बनाती है, पर इनसे ट्रेन का ओवरऑल वजन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से नॉर्थ कोरिया का रेलवे इंफ्रा भी इतना अच्छा खासा नहीं है, जिन सब का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्लो स्पीड के रूप में। लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्लो स्पीड होने के बावजूद इसके आसपास किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता। यहां तक कि जब ये ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है ना, तो उस स्टेशन और आसपास के इलाकों की पूरी तरह से लाइट काट दी जाती है, ताकि कोई भी इस ट्रेन पर नजर ना रख सके या किसी हमले को अंजाम ना दे सके। वैसे दिमाग में यहाँ पर यह आना लाजमी है कि आखिर किम, जो ज्यादातर समय अपने देश के बाहर निकलता ही नहीं है, वो इन कई कई दिनों की इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान आखिर बोर क्यों नहीं होता। वैसे देखो, नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स ने इसका ध्यान काफी अच्छे से रखा है, जिसके लिए इसमें एक और स्पेशल कैरिज है जो केवल किम के लिए है, जिसमें नॉर्थ कोरिया की फेमस फीमेल सिंगर एंड किम के फेवरेट प्लेजर स्क्वाड है, जिनका काम ही है जर्नी के दौरान किम को बोर ना होने देना। ऑल्सो इस ट्रेन में किम जोंग उनके लिए अपने पूरे देश को चलाने के लिए एक ऑफिस भी मौजूद है, जिसके अंदर लैपटॉप, टेलीविजन, फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन, नॉर्थ कोरिया और उसके पड़ोसी कंट्रीज का मैप है। अब साल 2020 में इस ट्रेन के अंदर की एक ऑनलाइन वीडियो भी आई थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्रेन का मोस्टली इंटीरियर व्हाइट कलर है, जिसमें फ्लावर शेप्ड लाइटिंग एंड जीब्रा प्रिंटेड फैब्रिक चेयर्स के साथ शाइनी वुडन फ्लोर भी लगे हुए हैं। पर ये ट्रेन चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये काफी ज्यादा स्लो चलती है। तो आखिर जिस सफर को हवाई जहाज के जरिए सिर्फ 1 से 2 घंटे में तय किया जा सकता है, उसके लिए आखिर किम इतने दिनों तक ट्रैवल क्यों करता है। तो देखो दोस्तों, ट्रेन्स नॉर्थ कोरिया के हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, और सिर्फ किम जोंग उन ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने अपनी मोस्टली जर्नी ट्रेन्स के थ्रू ही की है। जैसे नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट सुप्रीम लीडर किम इल सुंग ने इमरजेंसी सिचुएशन एंड ट्रैवलिंग के लिए पूरे देश में प्राइवेट रेलवे स्टेशन का नेटवर्क बिल्ड करवाया था, जहां केवल उनके ही ट्रेन जा सकती थी। इसके अलावा साल 1994 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया पर राज करने वाले दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल को प्लेन में यात्रा करने से डर लगता था, इसीलिए वो रेल रोड ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा प्रेफर करते थे। यहां तक कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2011 में जब किम जोंग इल की डेथ हुई, तब वो अपनी त्यांगो ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के डोमेस्टिक ट्रिप पर थे। नॉर्थ कोरिया में जिन ट्रेन्स के जरिए इनके सुप्रीम लीडर सफर करते हैं ना, उन्हें काफी स्पेशल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, इस ट्रेन को देखिए, जो यहाँ के कुम सोसान पैलेस में रखी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सुंग सफर किया करते थे। अमेजिंग है ना। अच्छा, एक बार इस तरफ देखो, हाँ, ये लिटिल लीडर किम जोंग इल का शरीर है जो इस ट्रेन के साइड में रखा हुआ है, और यहाँ पर एक क्यूट सी फोटो भी है जिसमें लीडर अपनी ट्रेन के साथ स्माइल करते हुए खड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया का एक डॉटेड मैप भी दिख जाएगा, जो सब दिखाता है कि अपनी लाइफ में इस ट्रेन से कहाँ कहाँ ट्रैवल किया गया था। नाउ आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेन किम फैमिली में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। दोस्तों, त्यांगो ट्रेन की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि ये ट्रेन कब कहां पर रहती है, कब कहां से ट्रैवल करती है, किस स्टेशन किस गांव से गुजरती है, इसके बारे में नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी पता नहीं होता, जो उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल, साल 2004 में चीन बॉर्डर के पास मौजूद नॉर्थ कोरिया के युंगचुंग स्टेशन पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 160 लोगों की जान चली गई और 1300 लोग घायल हो गए। जो धमाका एक ओल्ड टैंकर में हुआ था, जिसके चारों ओर बिजली के तार बिछाए गए थे, यानी ये एक वेल प्लान्ड अटैक था नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग इल के लिए, जिनकी ट्रेन इस स्टेशन से कुछ ही घंटे पहले निकली थी। बट टाइम की मिस इन्फॉर्मेशन के चलते ये धमाका ट्रेन के निकलने के कुछ घंटे बाद हुआ। इस इंसिडेंट के बाद ही इस ट्रेन की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट किया गया, और अब रूट फाइनल किए जाने के बाद ही उन ट्रैक्स पर त्यांगो ट्रेन के आने से 24 घंटे पहले ही सिक्योरिटी पर्सनल ट्रैक्स एंड स्टेशंस की कड़ी चेकिंग करते हैं। ऑल्सो, ज्यादातर समय इस ट्रेन के फोटोग्राफ लेना भी बैन है, जो रूल सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही फॉलो नहीं होता, बल्कि जब ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया के लीडर को लेकर इंटरनेशनल ट्रिप पर जाती है ना, तब वहां भी इस रूल को फॉलो किया जाता है। यहां तक कि साल 2009 में किम जोंग इल जब रशिया गए थे, तो इस ट्रिप के दौरान रशियन अथॉरिटी ने इस ट्रेन के साइबेरिया में एंट्री लेने पर वहां स्पेशल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था कि जब तक ट्रेन यहां से गुजरती नहीं है, तब तक कोई भी अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेगा।
वेल देखो, किम फैमिली ने अपनी ट्रेन्स के थ्रू कई हिस्टोरिकल जर्नीज की हैं, जैसे कि फर्स्ट सुप्रीम लीडर किम इल संग ने साल 1984 में ईस्टर्न यूरोप के ऑलमोस्ट हर सोशलिस्ट कंट्री की इस ट्रेन से यात्रा की थी, जो जर्नी नॉर्थ कोरिया से शुरू होता हुआ चाइना, सोवियत यूनियन, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, जिकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, बल्जेरिया एंड रोमानिया तक पहुंची थी। इस समय तक यूरोप और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते इतने भी खराब नहीं थे, लेकिन किम जोंग इल ने इन रिश्तों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। और अपने पिता के मौत के बाद जब किम जोंग उन ने सत्ता संभाली तो उसके न्यूक्लियर हथियारों के प्यार ने इन रिश्तों को बद से बदतर कर दिया। अब साल 2011 में नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के 6 साल तक तो किम ने किसी भी दूसरे देश में यात्रा ही नहीं की। इसके अलावा साल 2018 से लेकर 2023 के बीच किम ने जो टोटल 10 ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रिप भी की है, उनमें भी 4 ट्रिप तो केवल चाइना की ही थी। ऑल्सो किम 2 बार रशिया, 2 बार साउथ कोरिया एंड 1 बार सिंगापुर और 1 बार वियतनाम गया है, जिनमें से सबसे ज्यादा 7 ट्रिप किम ने अपनी इसी स्पेशल ट्रेन से की है और बाकी 3 ट्रिप चाइना द्वारा प्रोवाइड एयरक्राफ्ट में। अब देखो, इन सब में सबसे हिस्टोरिक ट्रिप थी जून 2018 में सिंगापुर की, जहां किम चाइना द्वारा प्रोवाइड एयर चाइना 747 प्लेन में ही पहुंचा था, खास करके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने दोस्त को उसकी डेट के लिए अपनी बाइक या गाड़ी दे देते हैं। वेल, सिंगापुर ट्रिप की बात करें तो यहां ट्रंप ने किम को वेपन्स टेस्टिंग कम करने और न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मनाने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स ट्रंप का ये दाव कुछ खासा अच्छा नहीं रहा और इस मीटिंग के बाद भी किम का न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग का प्रोग्राम चलता ही रहा और लगातार अभी भी चल रहा है। तो चलिए अब वापस आते हैं त्यांगो ट्रेन पर, जो 2 दिन की जर्नी को पूरा करते हुए 12 सितंबर 2023 को रशिया पहुंचती है, जहां से किम अपने मर्सिडीज के काफिले में रशियन स्पेसपोर्ट वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम पहुंचते हैं, जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इनका इंतजार कर रहे थे। दोनों लीडर्स आपस में यहां मिलते हैं, बात करते हैं। पुतिन फिर किम को स्पेसपोर्ट और उनकी एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का टूर देता है। बाद में दोनों के बीच एक वोडका पार्टी भी होती है। अब दोनों में से कोई भी वोडका तो नहीं पीता, जो इनके बीच के ट्रस्ट इश्यूज को दिखाता है, लेकिन ना एक दूसरे के जरूरत के चलते दोनों लीडर्स एक साथ जरूर रहते हैं। लेकिन आखिर ये जरूरत है क्या? तो देखो, इन रियलिटी ये तस्वीरें पुतिन की कमजोरी को दर्शाती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को इकोनॉमिकली काफी नुकसान हुआ। युद्ध में रशिया के एमिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और क्योंकि लगातार यूक्रेन को नाटो एंड अमेरिका से मदद मिल रही है, तो इन सब के चलते लगातार लड़ते रहने के लिए रूस को और भी हथियारों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में रूस के पास केवल 2 कंट्रीज है जो उसकी मदद कर सकते हैं, पहला है चाइना और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। लेकिन इनमें भी नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसे किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस का डर नहीं है। ऊपर से इस कंट्री पर रूस की पॉलिटिक्स का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली क्योंकि इस कंट्री को ही रशिया यानी पहले के यूएसएसआर ने क्रिएट किया था। वैसे खबर ये भी है कि रूस की इस मदद के बदले नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान खुद किम जोंग उन है, बट कई रिपोर्ट्स का दावा यह है कि किम बस एक कठपुतली है और नॉर्थ कोरिया की असली पावर और मास्टरमाइंड किम यो जोंग है। नॉर्थ कोरिया के सबसे पावरफुल वुमेन किम यो जोंग के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप जानना चाहते हो कि नॉर्थ कोरिया का डेली लाइफ कैसा होता है तो इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।